से पहुंच गए वहां पे? माय हस्बैंड इज वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 30 इयर्स. यस. बैंकॉक में जॉब स्टेबिलिटी बहुत है. टचवुड. निर्मला मैम, पहला सवाल कौन सा? क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लिमिटेड. आई हैव 46 शेयर्स, एवरेज ऑफ 375. आई एम होल्डिंग इट सिंस 2021. सो इट्स बीन 2-3 इयर्स नाउ. 221 लॉन्ग टर्म के लिए लिया भी जब लिया था तो लंबी अवधि के हिसाब से लिया था मैम. yes. या लॉजिक कुछ और था? नो नो नो, ऑलवेज लॉन्ग टर्म. डिसअपॉइंटिंग रहा है फिर तो. क्या करना चाहिए भाई? चलेगा नहीं चलेगा शर्मिला मैम? 85-90 रुपए मेरी खरीद से नीचे. बिल्कुल. और आई थिंक नतीजे भी इतने खास अच्छे नहीं रहे हैं. हैविंग सेड ऑल दैट, मुझे लगता है कि इसके टारगेट आप 380 के लगा सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है एक साल रुकने का. एंड यू नो थिंग्स कैन चेंज इन अ ईयर, आउटलुक भी बेहतर हो सकता है. तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए और 380 का टारगेट ध्यान में रखिए. ओके. मुंबई से दीपाली पुरी जी के पास चला जाए. दीपाली मैम, गुड आफ्टरनून. दीपाली मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी और मुंबई में क्या करते हो आप? मैं वैसे मैं ट्रैवल कंपनी में जॉब करती हूँ, बट दैट इज पार्ट टाइम. माय फुल टाइम इज शेयर मार्केट ओनली. और मतलब ट्रैवल कंपनी के लिए बिजनेस मोबिलाइज करना या कुछ और? नो, बेसिकली आई एम टेकिंग केयर ऑफ लेजर डिपार्टमेंट, लेजर ट्रैवल. तो बेसिकली हॉलीडेज वॉलीडेज अगर मैं प्लान करना चाहूँ तो आप मदद कर दोगे और वो सस्ते में भी करा दोगे. यस, ट्रू. डायरेक्टर साहब, मैम का नंबर सेव करो. दीपाली मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा यस बैंक के लिए है पहला क्वेश्चन. मेरे पास 5000 शेयर्स हैं एट 26. और दीपाली मैम, ये हमने क्यों लिया था? मतलब बेसिकली बहुत लंबी अवधि के हिसाब से लेके रखा हुआ है या कुछ बीच में तेजी आई थी इसलिए एंटर करे, क्या रीजन था? मैंने अभी लिया था ये फरवरी में. हां, 24-25 फरवरी के आसपास मैंने लिया था. एंड मुझे इसका न्यूज था कि 50 तक जाएगा, सो मैंने लिया था. बट एज ऑफ नाउ इट्स 3 रुपीस का लॉस है मुझे इसमें. ठीक है, हो सकता है 50 तक जाए. कोई टाइम फ्रेम बताया था जिसने न्यूज दी थी या बोल दिया था बस 50 जाएगा? बस बोल दिया था. बट हाँ, 6 मंथ टू 1 ईयर. पता नहीं वो तो खैर. लेकिन शर्मिला, हम सब रिटेल की बहुत आस लगी है. ऐसे ही कई सारे काउंटर्स हैं, उनमें से एक यस बैंक भी है. जाएगा क्या? तेजी करेगा क्या? लंबी अवधि के लिए रख लूं तो मुनाफा कमा के देगा क्या? मेरे हिसाब से उनके फिलहाल का जो लेवल है उससे उनको जरूर मुनाफा देगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं. तो मेरी नजर उन पर रहेगी, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली मैं फंडामेंटल्स ट्रैक कर रही हूँ, तो मेरी नजर रिजल्ट्स पर रहेगी. तो आई थिंक जो गिवन रिजल्ट्स है और जो करंट उनकी स्थिति है उसको देखकर मेरा टारगेट 28-29 के करीब रहेगा. तो उसको आप ध्यान में रखिए. अगर चीजें बदली इन द इंटरिम और इनके नतीजे थोड़े बेहतर आने लगे, देन मे बी द टारगेट्स कुड बी रेज. लेकिन अभी के लिए मेरे टारगेट्स 29 के रहेंगे. ये लॉजिकल है. ये 50 डबल हो जाएगा, ये बहुत दूर की गौड़ी है. बाजार कितना रिवॉर्ड करेगा पता नहीं, अपने हाथ में रिस्क मैनेजमेंट है, उसका ध्यान रखिएगा. फिलहाल के लिए होल्ड है यस बैंक अकाउंट. रेवाड़ी हरियाणा से दीप्तिमयी मिश्रा जी स्क्रीन पे. दीप्ति, आपने तो मुलाकात हो गई ना? जी सर. कैसी हैं आप? जी सर, अच्छी हूँ. दीप्ति मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? वेलकम बैक. जी सर, थैंक यू एंड नमस्ते. सर, आज का मेरा पहला सवाल है RVNL ग्रुप पर है. 275 में 430 शेयर है मेरे पास. इसको हम 6 मंथ से 1 ईयर व्यू के तरफ से लिए थे, तो आज जैसे डाउन गया इसको क्या करेंगे? उसमें और ऐड करेंगे या क्या करना है इसमें? अभी कितना टाइम हो गया लिए हुए सर? ये तो डिटेल्स बता नहीं पाऊंगी मैं. ना ठीक है, अंदाजन में पूछ रहा था. कोई नहीं भाई, शर्मिला पोजिशनली लिया था, अभी नीचे चला गया है. अच्छा काउंटर है तो एवरेज करें और ऐड करें या नहीं करें, कैसा व्यू बन रहा है आपका? रेलवे स्टॉक थोड़ा सा मुनाफाजुली गिरफ्त में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे सरकारी, लेकिन रेलवे ठंडे पड़े हैं. बिल्कुल. एंड आई थिंक कि वही एक चिंता है कि जिसे कहते हैं ना बबल जैसी स्थिति हो गई थी इन सब रेलवे स्टॉक्स की. तो और उसमें RVNL के पहले इस क्वार्टर के नतीजे भी इतने ठीक ठाक नहीं थे.
जितना उम्मीद था उससे थोड़े कम आए, खराब नहीं कहेंगे लेकिन उससे थोड़े कम आए। और जब ऑलरेडी स्टॉक इतना चल चुका रहता है और इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और फिलहाल का जो माहौल है हम देख ही रहे कि मिड कैप्स में करेक्शन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से एवरेज आप मत करिए, थोड़ा टाइम रुकिए और अगर आप रुक सके तो बने रहिए, लेकिन एवरेज तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी इस समय। स्टॉक मेरे हिसाब से और थोड़ा यहाँ से गिर सकता है, एवरेज नहीं करना है। क्विकली एक क्वेरी और, उसके बाद मैनेजमेंट रेडी है, बस जा रहा हूं मैं। निर्मला मैम अगला सवाल। वीआईपी इंडस्ट्रीज, आई हैव 22 शेयर्स एट 602। 602 पे वीआईपी, लॉन्ग टर्म के लिए आज से लिया था मैम, है ना? लॉन्ग टर्म, ट्रैवल इंडस्ट्री इज डूइंग वेल सो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट इट्स ओनली फॉलिंग। बैंकॉक में खूब टूरिज्म है इस समय, ये सीजन है कि नहीं? ये सीजन नहीं होगा ना? It is a season throughout the year, actually, but फिलहाल तो ये a little less. VIP भाई travel tourism pick up करेगा उस logic के साथ लिया था, अभी 60 रुपए नीचे चल रहा है खरीद से। शर्मला जी क्या करा जाए? मेरा 700 का target रहेगा, मेरे सबसे बने रहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि travel तो अच्छा कर ही रहा है और उसके साथ साथ शादी season में काफी लोग bags खरीदते हैं in the Indian context, तो मेरे सबसे आप बने रहिए। दीपाली मैम अगला सवाल। जेपी पावर है एट 9 रुपीज, 470 शेयर। ये किसी ने आइडिया दिया था डबल होगा या ऐसा कुछ, या कोई और रीजन से लिया था? नहीं नहीं, ये सिर्फ सीएनबीसी में मैंने सुना था इनफैक्ट। है जेपी पावर, पावर सेक्टर्स में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन जेपी पावर नहीं मेंशन होगा, लेकिन गजब है भाई, डबल तो होने की तैयारी ये कर रहा है बल्कि जेपी पावर। शर्मला क्या करा जाए? मेरे हिसाब से बने रहिए और 20 रुपए का टारगेट रखिए, क्योंकि अब उनके नतीजे थोड़े ठीक ठाक आने लगे हैं और जैसे उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर पर काफी फोकस है, तो मेरे हिसाब से 20 का टारगेट रखिए ध्यान में। होल्ड करिए मैम, बढ़िया मुनाफा हो भी रहा है आपको तो। दीप्तिमयी मैम हमारा अगला सवाल। जी सर, सेल और इकन के ऊपर मेरा सवाल है। पहला कौन सा? सर सेल, उसमें 450 क्वांटिटी 139 की खरीद है ना? जी सर। लंबी अवधि वाला मामला था, ट्रेडिंग वाला मामला था सर? ये सारे 6 मंथ to 1 year व्यू के लिए हम लिए थे। हाँ, और कैसे डिसाइड? अच्छा छोड़ो छोड़ो, मैनेजमेंट बैठा है, मैं इस पे नहीं जाता। शबला मैम क्या करा जाए भाई, सेल का व्यू क्या है? आप मेरे हिसाब से बने रहिए, वैल्यूएशन थोड़े ऊपर है लेकिन जिस तरह का सेक्टर है और उसमें ये स्टॉक प्लेस है मुझे काफी अच्छा लगता है, तो अगर आपका एक साल का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहिए। ओके, इस नोट पर दीपाली मैम नंबर सेव कर लिया है।